जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम, और आज के टॉपिक के साथ ही हमने अपनी एक ब्रांड न्यू जर्नी शुरू की है रिगार्डिंग द केमिकल कोऑर्डिनेशन। आज से पहले हमारे जितने भी लेक्चर्स थे वो या तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उससे मुतल्लिक थे, या फिर हमने कुछ लेक्चर्स रिसेप्टर्स पे अंडरस्टैंड किए। आज से हम अपने केमिकल कोऑर्डिनेशन को लेके चलेंगे, और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और ये किस तरह कोऑर्डिनेशन करता है। इसके अलावा वी गोना टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ग्लैंड एंड द हार्मोन, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी गोना टॉक अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनमें बुनियादी फर्क क्या होता है। देखिए, आई होप यू पीपल रिमेंबर कि जब हमने पहला लेक्चर अंडरस्टैंड किया था इस चैप्टर का मेरा बेटा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक कोऑर्डिनेशन को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं और दूसरी कोऑर्डिनेशन की टाइप को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब वो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन थी वो इस एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। सो एक्चुअली जब हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, तो इसका मतलब है हम बुनियादी तौर पर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है मेरा बेटा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द केमिकल कोऑर्डिनेशन दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके हवाले से दो टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कुछ देर पहले भी जिक्र किया, उनमें से एक टर्म है जनाब ग्लैंड की एंड द सेकेंड टर्म इज ऑफ हार्मोन। देखिए, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये बुनियादी तौर पर बना ही ग्लैंड से हुआ है। तो अगर आपको ग्लैंड की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप उसको हार्मोन के हिसाब से डिफाइन करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे कि अगर ग्लैंड की डेफिनेशन आती है तो आप उसको हमेशा हार्मोन की बेस पे डिफाइन करेंगे, और अगर हार्मोन की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है तो आप उसको हमेशा ग्लैंड की बेस पे डिफाइन करेंगे। यानी कि ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे की बेस पे डिफाइन होती है। कैसे होती है सुनिए जरा भाई। हम ग्लैंड कहते हैं, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के वो ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस और सिक्रीट कह लीजिए, दैट सिक्रीट स्पेसिफिक हॉर्मोन्स। भाई बॉडी के वो ऑर्गन्स जो स्पेसिफिक हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, उनको ग्लैंड कहते हैं। अब आप अगर यहां गौर करें तो आपको नजर आएगा कि हमने ग्लैंड को हार्मोन की बेस पे डिफाइन किया है कि वो ऑर्गन्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो ग्लैंड्स हैं। इसी तरह अगर आपसे हार्मोन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने उसको ग्लैंड की बेस पे डिफाइन करना है। कैसे करना है सुने जरा मेरा बच्चा। ग्लैंड्स आर द स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स। ये स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बॉडी में मौजूद होते हैं, रिलीज्ड बाय द ग्लैंड्स। वो केमिकल मैसेंजर्स जिनको ग्लैंड्स रिलीज करते हैं एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उन केमिकल मैसेंजर्स को मेरा बेटा हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो यहां आपने देखा कि मैंने ग्लैंड को हार्मोन की बेस पे डिफाइन किया और हार्मोन को ग्लैंड की बेस पे डिफाइन किया। एक और भी चीज यहां ऐसी है जिसको समझना जरूरी है। देखिए, ये वर्ड है एंडोक्राइन का, क्राइन का मतलब ग्लैंड है, एंडो के मतलब को यहां पर समझना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक और टर्म भी होती है जिसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्चुअली ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, उनमें से कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और कुछ ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इन दोनों का डिफरेंस भी एक अहम चीज है इस चैप्टर के हवाले से बेटा, और ये अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता होता है। सो यू पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दिस एज वेल। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है मेरा बेटा, ये ऐसे ग्लैंड होते हैं दैट आर डक्टलेस। डक्ट कहते हैं नाली को, वेसल को, ट्यूब को। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास अपना डक्ट सिस्टम नहीं होता, जिनके पास अपनी ट्यूब नहीं होती, ये सिर्फ एक ऑर्गन होते हैं और उस ऑर्गन से सिक्रीशन रिलीज हो रही होती है। अब यहां पर सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर अगर एक एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे हेड रीजन में है और उससे हार्मोन रिलीज हो रहा है अगर, तो क्या वो हार्मोन फिर सिर्फ हेड रीजन में ही रहेगा या पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा?
और क्या उस हार्मोन का फंक्शन सिर्फ हेड में ही होगा या बाकी पूरी बॉडी में भी होगा? तो एक्चुअली इनके पास अपना डक्ट सिस्टम तो नहीं होता, ये डक्ट लेस होते हैं, बट दे यूज ब्लड स्ट्रीम, ये बॉडी की ब्लड स्ट्रीम को यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ये अपने हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट के लिए बॉडी की ब्लड स्ट्रीम को यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, दे हैव देयर ओन डक्ट सिस्टम, इनके पास अपना डक्ट सिस्टम होता है और ये अपने डक्ट सिस्टम के थ्रू ही अपने हार्मोन्स को बॉडी में ट्रेवल करवाते हैं, बॉडी में भेजते हैं। तो ये है जी बुनियादी तौर पर डिफरेंस एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड का। आज का लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। अब हमारे जो अगले कुछ लेक्चर्स होने वाले हैं उनके बारे में भी सुन लीजिए कि हम हर एक लेक्चर में किसी न किसी स्पेसिफिक ग्लैंड को अंडरस्टैंड करेंगे, उस ग्लैंड की बॉडी में पर्टिकुलर लोकेशन क्या है इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उस ग्लैंड के पार्ट्स कितने हैं ये अंडरस्टैंड करेंगे, और वो ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है उन हार्मोन्स को अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम हार्मोन्स तक पहुंचा करेंगे तो उसके बाद हम हार्मोन को आगे लेके चला करेंगे, हर पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन, सबसे पहली बात कि बॉडी में उस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन क्या है, इसके अलावा उस हार्मोन के ज्यादा रिलीज होने या कम रिलीज होने से बॉडी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, इन चंद एक चीजों को हम अंडरस्टैंड किया करेंगे। सो यू पीपल मस्ट मेक श्योर कि आप इस सीक्वेंस को, इस तरतीब को याद रखें आगे के कुछ लेक्चर्स के लिए कि हमने हर एक ग्लैंड को इसी सीक्वेंस के साथ, इसी तरतीब के साथ पढ़ना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।